दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान के। अगर आपके पास एरिया कम है, जैसे कि 625 स्क्वायर फीट के आसपास या 700 के आसपास, तो आप एक सुंदर सा घर बना सकते हैं। और आज का जो प्लान हमारा होने वाला है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और मैं आपको पहले से ही बताना चाहूंगा, अगर आप किसी भी प्लान का 2D डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ साथ आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का पूरा डिटेल प्लान हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोगों का ये रिक्वायरमेंट थी कि लगभग उनको 5 लाख के अंदर एक घर का डिज़ाइन सर दीजिए, जिसमें बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें मैनेज्ड हो, एक प्रॉपर घर हो। तो इसी को देखते हुए मैंने 25x25 यानी कि 625 स्क्वायर फीट एरिया में पूरा घर क्रिएट किया है। और ये घर आपकी सभी जो भी आपकी आकांक्षाएं हैं उनको फुलफिल करने वाला है, और आपके बजट को भी ध्यान में रखकर ये बनाया गया है। और अगर इसी प्लान का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट स्मॉल हाउस प्लान को जरूर विजिट करिएगा। तो चलो आज का प्लान का जो डिटेल है उसे हम आपको लैपटॉप स्क्रीन में एलिब्रेट कर देते हैं। तो दोस्तों ये देखिएगा, एक बेहतरीन सा प्लान। हालांकि इस टाइप के मैं मॉडल ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, बट ये काफ़ी डिमांडिंग मॉडल था, तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट पर हमारे जो एक काफ़ी सब्सक्राइबर हैं वो चाह रहे थे कि लो बजट हाउस प्लान दिया जाए। तो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए ये बेहतरीन सा प्लान आपके सामने मैंने बनाकर रखा है। आप इसका ग्रिल वगैरह देख सकते हैं, एक बेहतरीन सा डिज़ाइन, और आगे एक बारंदा भी छोटा सा दिया है, जिसमें आप बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो बात करता है इस प्लान को, तो फ्रंट एलिवेशन दोस्तों इसका ये है जो आप देख रहे होंगे, जो कि 25 फीट है। और इसके बाद इसका जो लेंथ है वो भी 25 फीट है, मतलब 25x25 625 स्क्वायर फीट में मॉडल बना हुआ है। टॉप व्यू अगर आप देखेंगे तो टॉप में आपको 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल और फ्रंट में ग्रिल देखने को मिलेगा। फ्रंट में दो पिलर पर जो कि आप पे टिका हुआ, और आगे आप बैजिंग वगैरह लगा सकते हैं, नाम अगर लिखवाना चाहें लिखवा सकते हैं, अन्यथा आप इसे प्लेन रख सकते हैं। ये एक बेहतरीन से विंडो दिया है जिसको मैंने फ्रेम से भी बनाया है, और आगे फ्रंट एलिवेशन पर मैंने ये सारी चीज़ें क्रिएट की है। बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की, तो ये दोस्तों ओवरऑल ग्राउंड फ्लोर है। आप देखिएगा टॉप व्यू, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ये एक बारंदा है, और आपको दो बेडरूम है, एक किचन है और स्टेयर्स है। अगर आप लेट बाथ बनाना चाहते हो तो स्टेयर के नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि जो रिक्वायर्ड था कि लेट बाथ बाहर होना चाहिए, इस वजह से मैंने यहाँ पर लेट बाथ नहीं बनाया, बट आपके पास स्पेस है, अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर अपना लेट बाथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल मॉडल होने वाला है फ्रंट के साथ। जैसे आप स्टेयर से एंट्री करेंगे, अंदर जाएंगे, तो ये आपको एक पोर्च या बारंदा टाइप को देखने को मिलेगा। इसका दिए आपके एक गेस्ट रूम है, जिसमें आप एंट्री करेंगे इस डोर से, और आपको दो विंडो गेस्ट रूम में देखने को मिलता है, एक फ्रंट में और एक बारंदे के साइड। इसके बाद ये इसका मेन डोर है जहां से आप अंदर जाएंगे, और जैसे आप अंदर जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का कॉर्नर पर आपको एक और बेडरूम देखने को मिलता है, जिसका डोर आपको यहां से मिलेगा और आपका एक विंडो यहां से मिलने वाला है। बात करें इस वाले एरिया की, ये आपका एक बड़ा सा किचन, जो बारंदे में आपका इसका विंडो ओपन होता है, आप यहाँ से वेंटिलेट कर सकते हैं अपने किचन को। पीछे आपकी स्टेयर्स दी हैं जिससे आप अपने घर के छत पर जा सकते हैं। तो ओवरऑल ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, सॉरी ग्राउंड फ्लोर बनकर ये रेडी हो जाता है। और ये 25x25 मैंने बता दिया। अगर आप इसका 2D प्लान डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट स्मॉल हाउस प्लान पर जरूर विजिट करें। आपको वहाँ पर इसका रूम का साइज क्या है, किचन का साइज क्या है, बारंदे का साइज क्या है, पिलर का साइज क्या है, सारा डिटेल आपको हमारी वेबसाइट smallhouseplan.com, ध्यान रखें दोस्तों smallhouseplan.com पर आपको मिलेगा। मैं सर्च करके आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले आप मोबाइल फोन या लैपटॉप किसी पर भी अपने ब्राउजर, जो भी आप चलाते हो, क्रोम ब्राउजर चलाते हो या आप जो भी चलाते हो, उस पर जाना है। तो जैसे कि मैं क्रोम ब्राउजर पर आ चुका हूं, और आपको यहां पर टाइप करना है इस, तो जैसे दोस्तों आप smallhouseplan.com या केवल smallhouseplan सर्च करेंगे तो आपको पहला वेबसाइट मिलेगा। इसका URL विशेष ध्यान रखें, smallhouseplan.com। प्लान का स्पेलिंग में थोड़ा चेंजमेंट है, PLANE लास्ट में लगा है, .com है। ये वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा, आपको इसी वेबसाइट पर विजिट करना है। URL देख लें, हालांकि अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पर बहुत सारे डिटेल आर्टिकल्स मिल जाएंगे, जो अलग अलग कैटेगरी में बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। और जो आज का मॉडल था जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं, वो आपको मॉडल मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे, इसके नीचे आएंगे तो सारा डिटेल A to Z आपको मिलेगा, तो आप इस पर विजिट कर सकते हैं। बात करते हैं इसके ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर की, तो आप जैसे ऊपर जाएंगे तो आपको 3.5 फुट का बाउंड्री वॉल देखने को मिलता है, फ्रंट में बेहतरीन सा ग्रिल का भी डिजाइन देखने को मिलता है। तो ये ओवरऑल मॉडल 625 स्क्वायर फीट में बनकर रेडी हो जाता है।
दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों आप हमारे सारे मॉडल सारे वीडियो हमारे जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है एप्लीकेशन उसको भी उससे भी एक्सेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्ले स्टोर पर जाकर स्मॉल हाउस प्लान एप्लीकेशन को जरूर सर्च करें। हालांकि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं तो उस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। वहाँ पर आपको नंबर्स ऑफ वैरायटी हाउस के डिज़ाइन मिलेंगे, साथ साथ वहाँ पर हाउस कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट कितना लगेगा, मटेरियल कितना लगेगा, सब सारा डिटेल आपको उस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।